आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक दिवसीय गाथा महोत्सव का यह आयोजन है। इसके पहले दो आयोजनों को हमने, चूंकि कोरोना का कहर था, कोरोना काल था, इस तरीके से एक सभागार में एकत्र होकर, एक सभागार में उपस्थित होकर कोई आयोजन करना संभव नहीं था हम लोगों के लिए। तो हमने YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से लाइव आयोजनों को, वर्चुअल आयोजनों को, जिनको आप कहते हैं आभासी उपस्थिति के द्वारा, हमने दो आयोजन गाथा के पहले दो महोत्सव हमने कराए। आज गाथा अपने 3 वर्ष पूरे कर रहा है और ये तीसरा आयोजन गाथा परिवार का भागीरथ प्रयास। पिछले एक सप्ताह से गाथा के सभी सदस्य बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से, बड़े मन से इस आयोजन को करने की चाह में हैं और आज वो फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हमारे आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथियों में से एक IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, जो लोग सभागार में हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं एक बार जोरदार तालियों के बीच में उनका अपने मध्य स्वागत करें। एक लंबी श्रृंखला है आज के आयोजनों की। उद्घाटन सत्र के बाद लगातार शाम को 7 बजे तक हमारे पास सांस्कृतिक कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा के साथ, आज के दौर में मंच के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रंगमंच और कविता, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि गाथा एक साहित्यिक परिदृश्य को लेकर के आपके बीच में आता है, हमारा प्रयास यही है कि हम कविता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। कविता आपकी बुकशेल्फ से निकल करके आपकी कार के ऑडियो प्लेयर तक आ जाए। आप वर्कआउट कर रहे हो तो हनी सिंह के गानों की जगह अगर रश्मि रथी आपके कानों में बज रही हो तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी आपके बीच होता रहे। और जो ये तमाम चीजें नकारात्मकता लेकर के हमारे बीच में फैली हैं, मैं संगीत को बुरा नहीं कहता, लेकिन संगीत का एक परिदृश्य लोगों ने बदल दिया, संगीत का एक स्वभाव लोगों ने बदल दिया। उस नकारात्मक ऊर्जा के बजाय अगर अच्छा साहित्य, अच्छी कहानियां, आप कल्पना करिए कि आप डाइनिंग हॉल में भोजन कर रहे हैं और परिदृश्य में पीछे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बज रही हैं, आपके घर का माहौल, आपके घर का वातावरण कितना अच्छा होगा। ये कॉन्वेंटीकरण का युग, हम सरस्वती विद्या मंदिर के पढ़े हुए छात्र हैं हम लोग, और आज के इस दौर में इस कॉन्वेंट की पद्धति ने ऐसा कर दिया कि हमारे घर के बच्चों के संस्कार क्षीण होने लगे। ऐसे में एक ऐसा परिदृश्य अगर आपके घर में मिले, हमने गाथा में, आप लोगों को याद होगा पहले जब छोटे छोटे रेडियो घर में हुआ करते थे तो आकाशवाणी पर श्री रामचरितमानस का सुबह 15 मिनट के लिए पाठ आया करता था। गाथा में हमने उसको संकलित किया, एक MOU साइन किया प्रसार भारती से, और वो श्री रामचरितमानस का सुबह का पाठ गाथा में आपके पास उपलब्ध है। अब ऐसी विसंगतियां, ऐसी अव्यवस्थाएं लोगों के घर में अमूमन होती हैं कि हमारा मन है कि हमको सुंदर कांड करनी है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको लेकर के बैठ सकते हैं। तो सुविधा भोगी समय है, टेक्निकल हाईटेक जमाना है, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि गाथा के माध्यम से आप उस सुंदर कांड के पाठ को अपने मोबाइल से बजा तो सकते हैं। आप पाठ कर नहीं सकते, लेकिन उसके साथ में आप पूरा पाठ कर भी सकते हैं। हम उस प्रक्रिया में शामिल न होकर के भी शामिल हो सकते हैं। यही तकनीक के फायदे हैं, यही तकनीक के लाभ हैं। एक समय था लोग कहते थे कि अमुक कवि का देहांत हो गया, अमुक रचनाकार का देहांत हो गया, उनकी रचनाएं, उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने एक पुस्तक नहीं छापी, अब उनकी रचनाएं कहाँ जाएंगी। जैसे मैं याद करता हूं उन्नाव में, आपके पड़ोस का जनपद है, हास्य कविता के बहुत बड़े नाम KD शर्मा हाहाकारी हुए। एक समय था वो जिस मंच पर खड़े हो जाया करते थे वो मंच मंच सा लगने लगता था। हाहाकारी थे तो वास्तविकता में वो हाहाकार मचा देते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा अपने पूरे जीवन काल में वो बड़ा प्रयास करते रहे। हम सबसे कहते रहे, बेटा कभी घर पर बैठ जाओ, पांडुलिपि तैयार है, तुम लोग थोड़ी सी मेहनत करा दोगे,
तो मेरी पुस्तक छप जाएगी। न इतना कभी उनके पास समय हुआ, और हमारी तो बाल्यावस्था थी, हम सब कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत नए नए थे, तो ना इतना कभी हमारी हिम्मत हुई कि उन पर दबाव डाल करके भी कभी कह पाते। एक दुर्घटना हुई, श्रद्धेय प्रमोद तिवारी जी के साथ में उनका निधन हुआ और उनके साथ उनकी कविताएं चली गईं। आज कल्पना करिए, अगर YouTube जैसा माध्यम न होता तो शायद KD शर्मा हाहाकारी की कविताएं हमेशा के लिए शांत हो गई होती, क्योंकि जो कहीं लिखा पढ़ा नहीं है वो आगे के दौर में कितना आगे तक जाएगा इस बात की हम गारंटी नहीं ले सकते। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज़ का मैंने अन्वेषण किया। मैंने हाई स्कूल तक इतिहास पढ़ा है। प्राचीन सभ्यताओं की हम चर्चा करते हैं, प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं, आप मिस्र की सभ्यता ले लें, मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लें, आप हड़प्पा की सभ्यता ले लें, उनमें जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी अंकित है वहाँ पर, उसके विषय में लोग सिर्फ अनुमान लगा पाते हैं, क्योंकि उनकी जो लिपियां हैं उनको आज तक कोई पढ़ने में सक्षम नहीं हुआ। आप कल्पना करिए, इतिहासकार अनुमान के आधार पर कहते हैं अगर कहीं वृषभ की मूर्ति मिली तो इतिहासकार यह कहते हैं कि हाँ, हो सकता है वो मूर्ति पूजक रहे होंगे, वो वृषभ को देवता मानते होंगे, वो प्रकृति पूजक रहे होंगे, लेकिन वो पूरे भरोसे के साथ नहीं कह सकते। उसका एकमात्र कारण यही है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता कहीं प्रमाणिक रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और आज का दौर जिस तरीके से बदल रहा है, एक समय था पुस्तकालयों में अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी लोगों की, अब पढ़ने वालों का दौर बहुत घटता चला गया। तो आने वाले समय में आज से 100, 200, 1000, 2000 साल बाद जब कोई एक पीढ़ी हमारे साथ हो और उसको ये याद करना हो कि आदरणीय सोम ठाकुर जी की महनीय उपस्थिति हमारे मध्य में, उनके जैसा कोई बड़ा कवि इस क्षेत्र में, इस भारत के परिक्षेत्र में हुआ, तो उसमें उस जमाने तक याद रखने में ये तकनीक बहुत काम आएगी। ये तकनीक बहुत काम आएगी क्योंकि ये तकनीक है जो हमारी भाषा को, हमारे संस्कारों को, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को हमारी आगे आने वाली पीढ़ी तक लेकर के जाएगी। बिना तकनीक के कुछ भी संभव नहीं है। तकनीक के साथ लोग बदले। मैंने तो कोरोना के काल में तकनीक का इतना उपयोग देखा, हमारे बुजुर्ग जन, उनको जूम मीटिंग में कभी पहली बार स्ट्रीम यार्ड पर या जूम मीटिंग में बुलाया गया, मैं फोन करता था, मैं शिवोहम के और गाथा के सारे कार्यक्रम संभालता था, मैं फोन करता था तो पहला जवाब आता था, बेटा चलाना तो आता नहीं है, जुड़ेंगे कैसे। लेकिन उन 2 सालों ने हमें इतना जरूर सक्षम कर दिया कि आज साहित्यिक बिरादरी का हर वो व्यक्ति जिसको सिर्फ डायरी में कविताएं लिखने से लेकर के मंच पर अपनी कविता के प्रस्तुतिकरण तक का अपना काम बखूबी आता था, आज वो फेसबुक का लाइव भी कर लेते हैं, वो स्ट्रीम यार्ड भी ज्वाइन कर लेते हैं, वो जूम पर भी मीटिंग कर लेते हैं, और जरा सा भी डिस्टर्बेंस, एक बार भी कोलाहल नहीं होता है, एक बार भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और कल्पना करिए, अगर ये तकनीक न होती, ये व्यवस्थाएं न होती, तो वो ऐसा समय कि लोग अपने घर के भीतर कैद हैं, घर के बाहर नहीं निकलना जानते हैं, निकलना जानना क्या है, निकलने की अनुमति नहीं है, ऐसे में कितनी घुटन, कितना नैराश्य। और उस अवस्था में, उस समय में जिसका जो शौक था वो अगर डिजिटल ना होता, ये आधुनिक तकनीकें न होती, तो शायद इन 2 सालों का समय साहित्य के लिए भी बड़ा कठिन होता, हमारी सूचना एवं संचार क्रांति के लिए भी बड़ा कठिन होता, चूंकि ऐसी स्थितियां रही, वो हमारे लिए वो समय बहुत कठिन था। और इसी मध्य हमारे कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक जी का शुभागमन हमारे मध्य हुआ है। मैं सभागार में उपस्थित सभी लोगों से एक आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत हमारे मध्य करें। गाथा सिर्फ यही प्रयास कर रहा है, सन 2019 में मुझे याद है, 2018 में हमारी एक बैठक हुई आदरणीय
कुलपति महोदय का हमारे मध्य शुभागमन हो चुका है। उनके साथ में डॉक्टर वंदना पाठक जी, उनकी पत्नी जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उन बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इस गाथा महोत्सव के एक दिवसीय आयोजन में। और निश्चित तौर पर मुझे याद है कि 2018 का वो समय, गाथा की संकल्पना जब हम सब ने की, उसका तीसरा वर्ष है। मैं अब हम यहां से आयोजन की को आरंभ करने की मानसिकता में हैं, एक आस्था और एक विश्वास के साथ। कहीं किसी ने लिखा, मैंने कहीं चार पंक्तियां पढ़ रखी कि बजाता बांसुरी कैसे कन्हैया काल के ऊपर, बजाता बांसुरी कैसे कन्हैया काल के ऊपर, लिखा है किसने किस भाषा में सबके भाल के ऊपर, नहीं है वो कहीं पर भी मगर इतना तो बतला दो, उगाता बरगदों को कौन है दीवाल के ऊपर। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आदेशित करें। मैं आयोजन को यहां से आरंभ करता हूं। हमारे बीच में सम्मानीय कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर विनय पाठक जी की महनीय उपस्थिति है। मैं आपसे आग्रह करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आयोजन के विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर अभय कनदिकर जी, निदेशक IIT कानपुर उपस्थित हैं। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी जी की उपस्थिति है। मैं आपसे आग्रह करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी की महनीय उपस्थित है। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे जो लोग हैं वो एक बार तालियां बजा करके हमारे अतिथियों का मंच पर स्वागत करते चलें। और इसी के साथ मैं गाथा के संस्थापक निदेशक अमित तिवारी जी से भी आग्रह करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग तालियां बजा करके स्वागत करते चलें हमारे सभी अतिथियों का। और कार्यक्रम की पहली अनिवार्य आवश्यकता को माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करें, इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो। हमारे सभी सम्मानित अतिथि प्रोफेसर विनय पाठक जी, प्रोफेसर अभय कनदिकर जी, प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी जी और उनके साथ में डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी, हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य ग्रहण करना था, लेकिन विभागीय व्यस्तताओं के चलते तमाम प्रशासकीय व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने कहा कि मैं वर्चुअल माध्यम से आप लोगों के बीच जुड़ूंगा। कितने सुखद क्षण हैं आज का कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन हो रहा है। और ये सौभाग्य के क्षण होते हैं कि जिले हमारे प्रदेश का की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों में से एक माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बिल्कुल सही समय पर जुड़ गए हैं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपूरित हो रहा है, उसके बाद चूंकि उनकी तमाम प्रशासनिक व्यस्तताएं हैं, हम पहले उनको सुनेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे ले चलेंगे। मैं सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करता हूं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, के प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के बीच में जुड़ नहीं पाया, लेकिन आप सब जानते हैं कानपुर IIT के इस कार्यक्रम में मेरे पास जो सूची आई है उसमें हमारे IIT के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय
परंदीकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के उपकुलपति आदरणीय विनय पाठक जी और प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए छात्र और छात्राओं के बीच में उपस्थित हैं, उनको भी सबको मैं सादर नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और यहां जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको भी मैं उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करता हुआ, आज यह जो कार्यक्रम जिसके लिए आप सबने पहले ही मुझसे चर्चा की थी, मैं व्यक्तिगत तौर से यह कह सकता हूं, हमारा देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और भारत की ओर पूरी दुनिया पूरे विश्वास के साथ देख रही। आईआईटी कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जो भी बड़े संस्थान हमारे हैं, उनकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका इस समय विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे भारत के अंदर, भारत के हमारी प्रतिभाओं के अंदर है और उसे प्रतिभा को प्रकट करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि सरकार चाहे केंद्र की हो, प्रदेश की सरकार से तो आपको बहुत ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन चाहे केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, देश और प्रदेश की प्रगति में आपके सहयोग का आह्वान करते हैं हम। आपने अनेक बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन कामों के लिए मैं जितनी भी प्रशंसा करूंगा वह कम होगा। आपने स्टार्टअप की दृष्टि से, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लेकर के आगे बढ़ने का काम देश का आह्वान किया कि सोर आगे बढ़ा जाए, तो आपने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किए हैं जिसका उल्लेख करने का भी समय नहीं है। मैं भी चूंकि वर्चुअल जुड़ा हुआ हूं, एक आवश्यक बैठक का हिस्सा भी बनना है, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि आपके अंदर, जैसे मैं श्री रामचरित मानस में कहते हैं ना, श्री हनुमान जी के अंदर शक्ति बहुत थी लेकिन कभी कभी वह अपनी शक्ति भूल जाते थे, उन्हें याद दिलाना पड़ता था। तो आप सब गाथा से जुड़े हुए जितने भी हैं, सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर अभूतपूर्व प्रतिभा है और सारी दुनिया के अंदर जो नहीं वो हम लोगों के पास है, भारत के पास है, यूपी के पास है। आप भी सब यहां जो बैठे हुए अनेक रिसर्चर्स हैं यहां पर, जो अनेक क्षेत्रों में शोध करके देश को अनेक प्रकार की दिशा देने का काम करते हैं, मेरे लिए यह सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से नए नए कार्यों की आपने शुरुआत की। जब कोविड के महासंकट में हमारा देश फंसा हुआ था, दुनिया फंसी हुई थी, कैसे इससे बच करके बाहर निकला जाएगा, तब आप सबके ही प्रयास के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष आज यह गर्वपूर्वक पूरी दुनिया के सामने कह पाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने 200 करोड़ से अधिक टीके लगा देने का काम पूरा कर लिया है। और आज हम यह भी कह सकते हैं कि हम स्वदेशी वैक्सीन बनाने में भी सफलता प्राप्त किए। ऐसे ही जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, हम अनेक क्षेत्रों में और बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, डबल इंजन की सरकार आपके साथ है, आप किसी भी क्षेत्र में झिझक न रखें, आप आगे बढ़िए। और यह गाथा के इस कार्यक्रम का मुझे हिस्सा वर्चुअली रूप से बनने का अवसर मिला, आपका आयोजन काफी देर तक चलेगा, सभी आयोजन आपके सफलतापूर्वक संपन्न हो इसी शुभकामना प्रकट करते हुए, जब समय मिलेगा तो कभी मैं आप सबके साथ आकर के प्रत्यक्ष रूप से मिलूंगा। मैं एक बार फिर से मंचस्थ सभी अपने जो आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर साहब हैं, हमारे उपकुलपति आदरणीय पाठक जी हैं, आदरणीय प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी हैं और समस्त छात्र छात्राओं का मैं धन्यवाद करते हुए कि आज मुझे वर्चुअली आप सबके बीच में जुड़ने का मौका मिला। और आप सबका लक्ष्य बहुत बड़ा है,
लेकिन जब साहस से दिशा मोड़ देते हम आने वाले तूफानों की अभाव लेकर के आप बढ़ेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुनिया के कोई देश कर सकते हैं और भारतवासी हमारे नहीं कर सकते, हमारे बच्चे नहीं कर सकते, हमारे प्रतिभाएं नहीं कर सकती हैं। आज दुनिया भारत की ओर देखती रहती है, तो जब देखते हमारी ओर है पूरी दुनिया के लोग, तो हम इस बात को साबित करने का काम लगातार कर रहे हैं और तीव्र गति से और परिश्रम करके और प्रयास करके ऐसा करने का प्रयास करें कि आने वाले समय में किसी को देखना ना पड़े। जो जरूरत दुनिया की है वह भारत तैयार करके देने की सामर्थ्य रखता है। अब दुनिया से हमें कुछ खरीदना ना पड़े, पूरी दुनिया हमसे खरीदने की तैयारी की दृष्टि से आगे बढ़े, यही मैं आशा करता हुआ, विश्वास करता हुआ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पाया वर्चुअली। बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।